वालेकुम कैसे हो आप सब अलहमदिल्ला मैं एकदम ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भाई पिटारा की रूटीन उठे साथ में गमले लेने चले जाना डेढ़ दो घंटा इसने गमलों के ऊपर पौधों के ऊपर कैमरा रख रख के अपना सूझा हुआ मुंह छुपाई और फिर ती, दो तीन घंटे के बाद में ये रिटर्न घर पे आई तब जाके मुंह पे कैमरा रखी जिससे लोगों को पता ना चले कि मैं अभी सो के उठी हूँ मैं शाम को सो के उठी हूँ और कोई रूटीन नहीं कुछ नहीं बच्चे स्कूल कब गए क्या टिफ़िन लेके गए क्या खा के गए घर में सालन कैसे बना कपड़े कैसे धुले बर्तन कौन धोया किचन टेबल कौन साफ़ किया घर में सफाइयाँ कैसे हुई कोई चीज़ की रूटीन नहीं कुछ भी नहीं करती है और ऐसे जताती है कि जैसे पूरे घर की जिम्मेदारियां इसके ऊपर है और ये जो बार बार बोल रही है ना कि मैं सारा कुछ देखूंगी मैं सारा कुछ करूंगी अपने हाथों से करूंगी तो बीबी लिख के रख ले लिख के रख ले ना तूने कभी ज़िंदगी में अपने हाथों से कोई जिम्मेदारियाँ निभाई है ना तूने कुछ की है और ना आगे कभी तू कुछ करेंगी तेरे से नहीं हो पाएगा पिटारा क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं तू तू सिर्फ एक याश औरत है जो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों में बैठ के भटक सकती है और अपना बड़ा बूता है ना दिखा दिखा के नुमाइश कर कर के तू पैसे कमा सकती है और इधर उधर मुंह मार मार के तू पैसे कमा सकती है तो उस तरह की औरत है घर की गृहस्थी संभालना बच्चे संभालना जिम्मेदारियाँ निभाना घर की साफ़ सफाइयाँ रखना खाना बनाना ये सारा है ना तेरा काम नहीं है वो औरतें ही अलग होती है जो ये सारा कुछ करती है अब इसको फिर से चढ़ गया है पौधों का बुखार जो कि इसको आए दिन चढ़ते रहता है पिछली बार भी जब इसने पूरी बैलकनी पूरा किचन पूरा बाहर का जो इसका गार्डन है वो सब कुछ इसने जब पौधों से भरी थी मेरा वीडियो वो टाइम का जाके देख लेना आप लोग उसके अंदर मैंने कहा था कि इसमें से एक भी पौधा नहीं रहेगा सारे के सारे पौधे सूखेंगे सड़ेंगे और ये औरत है ना ना कभी ध्यान दी थी और ना कभी देंगी क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो इसने पौधे सड़ाई है आप लोगों को याद होगा जिस घर में नदीम नीचे रहता था ये ऊपर रहती थी टेरिस वाला घर था कराची में वहाँ पे भी इसने कितने सारे पौधे लगाई थी वहाँ पे भी सारे पौधे इसने सुखा दी थी ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पे जब रहने आई थी दूसरे वाले घर पे, वहाँ पे भी इसने पौधे लगाई थी वहाँ के भी पौधे इतने सुखा दी थी यहाँ पे आते साथ में इसने पौधे पेड़ और पता नहीं क्या 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 लगाई थी और वो भी सारे के सारे सुखाए फिर दूसरी बार वापस से लगाई फिर वो सारे के सारे सुखाए और अब इसने तीसरी बार लेके आई सोचो आप लोग के ये औरत कितना ज़्यादा गुनाह कर रही है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे बर्बादी हो रही है यहाँ पे सिर्फ़ पैसों की बर्बादी नहीं हो रही है पौधों में पेड़ों में भी जान होती है और ये उनको लाती है और उनको ख़त्म कर देती है मतलब जान ले लेती है पौधों की सोचो कितनी घटिया औरत है और क्या बोल रही है कि घर में लगा रहेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेंगी अरे भाई जो चीज़ की ज़रूरत रहती है खाने की और विटामिन की और इसकी उसकी वो सब चीज़ों की तो तुझे पड़ी नहीं है तुझे ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन तो तू कहीं से भी ले लेती है ना जहाँ से ते तेरे को यार पसंद आते हैं ना उनसे तू ऑक्सीजन ले लेती है आई बड़ी तू ऑक्सीजन की फिक्रमंद मक्कार औरत अब फिर से घर को जंगल बनाने में तुली हुई है अब देखना थोड़े दिन तलग के पौधे 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 करके दिखाते रहेंगी और करेगा कौन सब कुछ गोचू जैसे पहले करता था सारी देख रेख और अगर के घोंचू के वीडियो में मैंने देखी तो घोंचू को फिक्र पड़ी है कि ये सारे जो भी मतलब कचरा हुआ है पौधों की वजह से वो मुझे साफ़ करना है बैलकनी धोना है जैसे रमजान कर रहा था ना वो सारी ड्यूटी घोंचू कर रहा है और अपने वीडियो में डायलॉग क्या मार रही है ये कि मैं अपने हाथों से करूँगी मैं नौकरों के हवाले छोड़ देती थी सारा कुछ सूख गया अब मैं अपने हाथों से करूँगी नई बीबी नौकरों के हवाले से तो ना सब कुछ तेरा अच्छा चल रहा था जब तेरे घर से नौकर गायब होते हैं ना तब सूखता है सब कुछ अभी बीच में रमज़ान और अनीता गए हुए थे तब इसने पानी वानी नहीं दी तब सारा कुछ सूख गया और उसके बाद में फिर इन लोग थाईलैंड मलेशिया गए थे तभी कौशल रमज़ान अनीता उन लोग भी गांव चले गए थे तो कोई देखने वाला था नहीं तो वो टाइम पे भी सारा कुछ बर्बाद हुआ ये औरत ने कभी आप लोगों ने देखे इसको इसने अपने बच्चों का ध्यान रखी होगी या इसने पेड़ों को पानी दी होंगी या झाड़ू पोता करते हुए नजर आएंगी ये आ, क्या बोलते हैं कंटेंट को छोड़ के कंटेंट बनाने के अलावा फिकर से जैसे एक औरत को घर का काम करना होता है पकाना खाना सफाइयाँ करना बच्चों को देखना कभी भी आप लोगों को ये फिक्रमंद लगी है इस वीडियो में भी इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग मार रही है कि मैं सारा कुछ अब खुद करूंगी मैं मेरा घर खुद देखूंगी लेकिन इतने इस वीडियो में भी खाना नहीं बनाई और कोई भी चीज़ का कोई भी एक चीज़ का ऐसे पीछा लेती है इसे पीछा लेती है जिसकी कोई हद नहीं है पौधों का पीछा लेंगी तो पौधे 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 करके दिमाग ख़राब कर देंगी ऑडियंस का कभी तो ये दाल का पीछा ले लेंगी कभी मोमोज का पीछा ले, ले लेती है कभी कस्टर्ड का पीछा hmm. <ड़ियो> मतलब कोई एक चीज़ के पीछे पड़ेंगी तो पीछे ही पड़ जाती है इतनी है बेकार औरत है हर चीज़ में कंटेंट हर चीज़ में कंटेंट बनाना है अरे भाई तू नॉर्मल ज़िंदगी जी ले नॉर्मल लाइफ में तेरे जो भी काम धंधे है वो कर और वो दिखा अच्छी ब्लॉगिंग करिए क्या है हर चीज़ में अब सोचो इतने सारे जो उसने इतने बड़े बड़े गमले उसके अंदर मट्टी फिर पौधे कितने इतने लाखों रुपए उसके अंदर घुसेड़ी आएंगी सोचो कितना पैसों को बर्बाद कर रही है इसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ट्यूशन नहीं जा रहे और आज क्या बोल रही थी मुतफ़ा को अकेडमी में डाल दी क्योंकि टीचर ने बोली कोई बड़े सर के पास में पढ़ाओ अच्छा तेरा बेटा अकेडमी में जा रहा है सच बत्ता पिटारा कहाँ जा रहा है अरे भाई अकेडमी वकेडमी में नहीं जा रहा है दूसरी ही जगह पे जा रहा है जहाँ पे नशा छुड़ाने का वो करते हैं ना बच्चों को सिखाते हैं ट्रेन करते हैं डराते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें डालिए इसने इसके खुद के वीडियो में ना दो तीन बार इसका बेटा पकड़ा गया है नशे में और ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि शराब वगैरह पिए तो ही इतने इतने से बच्चे अगर सिगरेट भी पी रहे हैं ना तो उनको सिगरेट का भी नशा ऐसा चढ़ता है जैसे शराबी नजर आता है और इस वीडियो में भी ये वाले वीडियो में भी इसका बेटा सिगरेट फेंकते हुए नजर आया है क्लिप लगा दूंगी आप लोग देख लेना वो सिगरेट पी रहा था अचानक से इसने वीडियो में ले ली और वो बाकायदा फेंकते हुए नजर आया आप लोग खुद देख लेना ये है ना वो चीज में डाली है अपने बेटे को और ये बहुत पीछे पड़ी है बहुत परेशान है ये अपने मुस्तफ़ा से ये सोच रही है कैसे इसको सुधारू लेकिन अब नहीं सुधरेगा पिटारा तेरा काम कर ली तूने बच्चों के नाम पे कार्ड खेल के बच्चों का कार्ड खेल खेल के ही तूने पैसे लिए ना लोगों से फंड लिए चैनल चलाइए बच्चों की देख ले तूने क्या हालत की है जब हम अच्छे के लिए बोलते थे बच्चों पे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे तो हेटर है हेटर बहुत गंदा बोलते है हेटर बुरा बोलते है बताओ क्या करी इसने बच्चों की जिंदगी एक को ट्यूसन स्कूल अरबी सबसे निकलवा दिए और एक को नखेड़ी बना दी आखिरकार इसने चोर बना दी आखिरकार इसने गांव गया था तो चोरी भी किया था यहाँ पे नशा करते फिर रहा है खाना खाता नहीं है घर में देखा ना आप लोगों ने आधी आधी रोटी इतनी इतनी सी रोटी खा के उठता है चिल्लाते रहती मुस्तफ़ा खाओ 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 क्यों खाएंगा भाई उसको बाहर की लत लग गई है क्यों घर का खाना खाएंगा ये या अयाशियाँ करने के लिए लोगों ने सपोर्ट किए थे ये ये चीज के लिए कि तुम दिन रात आउंधी पड़ी रहो टांग उठा के बच्चे बाहर का खाए बच्चे नसेेड़ी बन जाए उनको घर का खाना ना नसीब हो पढ़ाई ना नसीब हो ये लिए मदद किए थे ये लिए सपोर्ट किए थे अरे अभी भी सुधर जाओ ये औरत को है ना छोड़ दो सपोर्ट करना तब ये बच्चों पे ध्यान दे पाएंगी कोई ध्यान नहीं देती है ये बच्चों पे ये बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है बताओ पौधे वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके फिर गाड़ी में जाके बैठ के तस्वीर दिखा रही है ये प्यारी प्यारी तस्वीर कल बिक रही थी तो मैंने खरीद ली मैंने इनको बोली हूँ जुम्मा को जाते हो ना तो मस्जिद में रख देना लोग पढ़ेंगे तो सवाब देंगे बजाओ भाई तालियाँ लोग पढ़ेंगे उसका सवाब चाहिए इनको ये खुद नहीं पढ़ेंगे तस्वीर कहाँ से खरीदी पिटारा खरीदी नहीं है घर में जो तस्वीरें पड़ी थी ना वो सारी तस्वीर निकाल के इसने गाड़ी में रखी है कि कल मस्जिद जाओगे ना उधर रख देना ये खरीद के नहीं रखी है ये घर की तस्वीर है जो इसकी अम्मा है ना लाल आके जमा की थी ना घर में तो ये मस्जिद में भिजवा दी ये खरीद के नहीं रखवा रही है इतनी अच्छी नहीं है ये रोज़ा खुलाई के टाइम पे जो औरत बोलती है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं रोज़ा खुलाऊँगी वो औरत ये अच्छे काम करेंगी कभी भी नहीं ये घर की तस्वीरें दे दी है उठा के और बोल रही है कि जुम्मा को मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मस्जिद में रख देंगे और तू जो दिन तस्वीर लेके लोगों को उल्लू बना रही थी बोल रही थी कि ये तस्वीर हमेशा मेरे पास रहती है हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ का पिटारा नज़र तो नहीं आती हमें हो गया दो दिन नमाज का ड्रामा कर ली तूने हाँ कुरान शरीफ़ दिखाई थी मायने के साथ पढ़ूंगी पढ़ ली अरे भाई इसको वो प्रॉपर्टी के पेपर वग़ैरह का काम चल रहा था ना तो इसको डर लग गया कि कहीं पेपर सही नहीं बने तो प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं मिली तो इसके लिए दो दिन तलग के ड्रामे की नमाज़ के तदवी के और अभी दो दिन पहले इसके पेपर वगैरह का सारा काम हो चुका है जो अबाया पहन के गई थी ना कल या परसों तो वहाँ पे काम फ़ाइनल हो गया इसका अब आप लोगों को देख लो के ये कभी भी नमाज पढ़ते हुए ना अब नजर नहीं आएंगी जब तल के इसको काम ना निकलवाना पड़े काम ना निकलवाना रहेगा ना ऊपर वाले से तब तलाक के ये आप लोगों को ना जा नमाज पे नजर आएंगी ना इसके हाथ में तस्वीर नजर आएंगी और देख लो के काम होते साथ में घर की सारी तस्वीर निकाली बोलिए मस्जिद में रख देंगे ये नजर आती है आप लोगों को जुमा की नमाज पढ़ते हुए देखिए इसको गंचू जाता है मुस्तफा जाता है कब ओए मोटी कब जाते हैं लोग हमें तो नहीं दिखते खाली बस जुम्मा दिन मस्जिद में जाते है। तेरे लिए पौधों के लिए भटकने के लिए इतनी लंबी लंबी ड्राइव करता है लेकिन नमाज के लिए डेली ड्राइव नहीं करेंगे सिर्फ जुम्मा को जाएंगे नहीं तो घर में नमाज पढ़ेंगे मर्द होके वाह क्या सिस्टम है तुम्हारा इतने घटिया हो तुम लोग और जब गमले लेके आधे से ज्यादा वीडियो औरत ने फूल पौधे पत्ती इसके ऊपर निकाल दी और जब गमले लेके वापिस आई है तो बोल रही है चाय बनाऊँ इलायची वाली चाय पियोगे चाय बना के दूँ इलायची वाली चाय बना के दूँ ऐसे कर रही थी और उसने बोला मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आता हूँ तुम चाय बना के रखो दूसरे तीन में बोल रही है मैं आने के बाद में मेरे सर में इतना दरोध होने लगा मैं सो गई और उठने के बाद में अन्नू ने इसको चाय बना के दी ये पी ली देख लो कितनी काम होती है बड़ी बड़ी बातें कर रही है मैं खुद अपना घर संभालूंगी सारा कुछ मैं अपने हाथ से देखूंगी नौकरों के हवाले पे घर नहीं छोड़ना चाहिए घर सही नहीं चलता है हर एक चीज इधर उधर हो जाती है और जब सोके उठी तो रात हो रही थी ये औरत को तो कोई चीज का होश नहीं रहता ही अपने हाथ से अपना घर संभालेंगी अब भी बोल रही हूँ लिख के रख लो कि इसके घर में दूसरे नौकर भी आएंगे और ये कोई घर नहीं संभालेंगी ये कोई पानी भी नहीं देंगी पौधों को ना ये खाना बना के खिलाएंगी ना ये कपड़ा बर्तन झाड़ू पोता घर का कोई काम नहीं करेंगी औरत ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी बातें है जैसे पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी ना अभी भी सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें है ये औरत कुछ भी नहीं होने वाला है सही बोली थी इसकी माँ ने कि ये औरत है ना सटियाई हुई है पागल है ये पौधों को लेके गोंचु को बोरी इधर से उधर रख दो उधर वो कोने में रख दो उधर रख दो वो भी चीड़ के बोलता है पे के इदर उदर, इदर उदर सर पे रख के घूमो इधर उधर इधर उधर कराते रहोगी इससे अच्छा सर पे रख के घूमो हरियाली हरियाली नजर आएंगी लानत है पिटारा तेरे ऊपर पागल कहीं की सटियाई हुई बुढ़िया और इतनी मक्कार है इतनी झूठी है ना अब कौन दिखा रही है कि देखो नेबर देखे गए क्यों तू भिखारा है जो लोग तुझे सालन देके जाते है कॉर्न देके जाते पता नहीं क्या क्या देके जाते क्यों देके जाते बोर्ड लगा के रखी है के फेंकने का खाना हमें ला के दे देना हम है ना सेटिस्फाई भिखारी है तो हम लोग खा जाएंगे झूठी कहीं की खरीद खरीद के लाती है नेबर देके गए नेबर दे गए झूठी जूठी औरत और फिर बोलती है क्या करूँ इस कौन का इसको ना बॉईल कर देती हूँ फिर नजर ही नहीं आया बॉईल की कि क्या की इतनी ये काम चोर है ऐसी काम चोर हथनिया अगर घर संभालने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है ना और अजीब अजीब सी बातें करती है यार ये पागल औरत के शीशे की बर्नी में चक्कर भरी हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है शक्कर निकालते हुए अब बर्नी में से शक्कर निकालते हुए क्या अच्छा लगने का है वो शीशे की बर्नी में रहे प्लास्टिक में रहे या काय में भी रहे उसमें क्या मजा आती है इसको मतलब कि कुछ भी बस मुंह से बोलने का है इसको कुछ भी अजीब गरीब सी बातें करने का है पागल औरत को बच्चों के पीछे इतने पैसों का सत्यानाश करती है बल्कि खुद भी ये पौधों के पीछे मुस्तफा वो खा रहा है न्यूट्रेला तो उससे छीन रही है कि नहीं इतना सारा मत खाओ उसको मार रही है बताओ कितनी हलकट औरत है बच्चों को खाने पीने तक के नहीं देती है फिर तभी भी वो बाहर का ही खाते रहता है सोचो घर में खा रहा है तो उसको खाने नहीं दे रही है। और बाहर से खा खा के आता है घर में खाता नहीं और कितना बेशम की तरह बताती है के घर में आज पुलाव बना है घर में आज सालन बना है अरे मोटी बना भी लिया कर कभी और बनाएंगी तो पूरा रेडी करके दो इसको तो फिर ये चम्मच पटकती है खाली ऐसी तो काम चोर औरत है आई बड़ी घर की जिम्मेदारियां निभाने वाली और लाती है तो बच्चों के खाने के लिए लाती है ना फिर मार रही है इसको सीसीटीवी इसके लिए लगाइए की बच्चों के और घर में जो भी है उन लोगों के खाने पीने के ऊपर तू रोक टोक लगा सके वो दिन इसने बोली जामेश खत्म हो गया एकदम खत्म हो गया और दूसरा ही दिन दिखा रही है देखो मैंने ना किचन में सीसीटीवी लगा ली ये है तेरी नीयत घटिया औरत की बना बना के एक वो डोरा केक डोरा केक मैदे का बच्चों को इतना खिलाती है इतना खिलाती है बस यही तीन चार चीज आती है या कस्टर्ड बना देंगी या डोरा केक बना देंगी या तो मोमोज बना देंगी और जो भी बनाएंगी इसमें इसको सबकी हेल्प चाहिए रहती है क्योंकि काम तो इससे होता नहीं है मोटी से तो ये कहाँ से काम करेंगी तो बच्चों के पीछे लगे रहेंगी तुम करो ये करो वो करो और कुछ आता है पिटारा बनाने ये डोरा केक के अलावा मैदा खिलाना बंद कर बच्चों को चाहे किसी भी शक्ल में हो लेकिन मैदा है ना नुकसान देता है घटिया औरत और भी बहुत सारी चीजें है दुनिया में वो सीख और खिला जरा बड़ी तो जिम्मेदारी निभाने वाली अम्मा बन रही है ना तो अब जरा निभा जुम्मेदारी और रहने में जो तेरा मुस्तफ़ा सिगरेट फेंकते हुए नजर आया है ना उसका जवाब भी जरूर देना ऑडियंस को इतने सारे कट क्यों लगाई है वहाँ इतनी सारी मतलब के तू खुद छुपा रही है खुद तू छुपा रही है ऑडियंस से तेरे बेटे को तूने किस तरह से बिगाड़ी है तू टांगे से उठा के सोती पड़ी रहती है पूरा दिन और बच्चे तेरे बिगड़ गए और ये चीज को छुपाने के लिए कट लगा रही है वीडियो में लक दी लानत है तेरे ऊपर डोरा केक बन गया ठूस ली चलो बाहर निकल जाओ कौन क्या कर रहा है बाहर मोहल्ले में आप लोगों ने देखी है इनके आजू बाजू की औरतें बच्चे इनकी तरह पागलों की तरह बाहर भटकते होंगे या बाहर निकल के अपने गार्डन देखते होंगे यह औरत सुबह उठते साथ बाहर रात को सोने से पहले बाहर पता नहीं कौन से यार इसके बाहर आके खड़े रहते है जो जाती है कैमरा ले लेके बाहर दिखाने घटिया औरत कोई इनके मोहल्ले में नजर नहीं आती औरतें सिवाय यह आवारा औरत के पिटा रहा इससे पहले वाले वीडियो में तो अबा में सुबह के टाइम पे नजर आई थी हो गया खेल लिया अबा से हाँ घटिया औरत इन श्ला इसका अशर होगा और ज़रूर होगा और एकदम एंड में गोचू को बोल रही है कि तुमको गुलाबी कम्बल कम पसंद है और उसकी मज़ाक उड़ा रही है और वो भी बेशरम औरतों की तरह हरकतें कर रहा है और फिर बोल रही है बेटियों के साथ रह रहे के ना तुम भी ऐसे और वहीं से कट कर दी पूरा बोलती ना बेटियों के साथ रह रह के खुसरा हो गया है और तू तो बोल रही थी कि ये बेटियों के साथ रहता नहीं है टाइम स्पेंड नहीं करता है दवा ला के नहीं देता है अब तो खुद बोल रही है बेटियों के साथ रह रहे के ऐसा हो गया है पिटारा अपने आप को ना तो खुद एक्सपोज करती है थोड़ी सी ना शर्म किया कर झूठ बोलने के लिए और ये है ना झूठ बताती है कि गोंचू वहाँ पे सोने के लिए जाता है गोंचू के वीडियो के अंदर गोंचू सो के उठा है पिटारा के घर में फिर इसके ही घर पे रात हो गई है और ये वाले वीडियो में देखो ये इसी के घर पे सोया हुआ है मतलब तीन रात ही दोनों के वीडियो में मिला के देखने को मिली है और तीनों रात वो इधर ही पे सोया है और ये झूठ बताती है कि गोचू वहाँ पे सोने जाता है इतनी मक्कार औरत है जाता होगा मगर हफ्ते में एक आध या दो बार जैसे पहले जाता था जो मदनी ने बताया था मेरे को लगता है ना मदनी की है ना वो जो पूरी लाइक थी या वीडियो थी अच्छी खाती तीस पैंतीस मिनट की वो लगा के ना इसके भांडे फोड़ना पड़ेगा फिर से एक बार सबको याद दिलाना पड़ेगा ये कितनी मक्कार है और ये जो मकारिया पहले करती थी ना ये आज भी वही कर रही कोई जाता वाता नहीं है सोने के लिए ना ही तो उसको पूछता है ना देखता है जबरदस्ती का खाली क्लिप बनाने के लिए जैसे पहले जाता था अभी भी वो वैसे ही जाता है और इंशाला बहुत जल्दी वो वीडियो लगाऊंगी तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफी